रामनवमी के ही उपलक्ष्य में बोल सकते हैं कि उपलक्ष्य में कहते हैं इग्नोर तो नहीं कर दोगे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ब्लॉग भाई काफ़ी लेट आ रहे हैं बिकॉज भैया एडिटिंग टाइम पे नहीं हो पा रही है, बहुत काम रहते हैं तो समझ रहे हो बहुत काम है। तो फिलहाल तो कोई ब्लॉग आएंगे मैं देख यार, एक तो मैं ना वहाँ पीछे वो दिखाऊंगा, कोई चीज़ है मैंने खरीद ली है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मतलब बोल रहा था मैं, हाँ वो बता रहा था मैं क्या कि यहाँ पे जो मैं रुका था अपने यहाँ, फ़िलहाल तो मैं पुणे के अंदर आ चुका हूँ। तो मुंबई में गया था, मुंबई के एक भी ब्लॉग नहीं बन पाए, उसके लिए सॉरी तो क्या ही बोलूँ। थोड़ा सा ना वो रहता है, थोड़ा सा काम रहता है, काम धंधे वाले आदमी हैं भाई हम, ऐसी बात नहीं थी, काम भी हो चुका था टाइम पे लेकिन मैं नहीं बना पाया। तो उसके लिए तो भैया क्या कुछ भी नहीं बोल सकते, जो हो गया वो हो गया। तो अभी मैंने ना साइकिल ले ली है यहाँ पे, कैसी लग रही है बताओ। यहाँ से ना मैं इससे ना वहाँ जाऊँगा, गुड़गांव जाऊँगा, 2000 किलोमीटर दूर जाऊँगा इससे। तो दिखाऊँगा, इसका रिव्यू करवाऊँगा ना आपको, बताऊँगा कितने रुपये में खरीदी है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ पुणे के अंदर। पुणे के अंदर क्या है कि भैया पुणे अच्छी जगह है, पुणे पुणे के अंदर मैं बाहर से एक बार व्यू दिखाऊंगा आपको, दिखेगा तो पुणे के अंदर कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। बाहर तो मैं अभी गया नहीं हूँ, अभी होटल आया था तो पहले होटल लिया। की बात करूँ मैं तो होटल की बात करूँ तो अपना एक तो ये क्या नाम है, क्वालिटी भी तो लो हो जाती है। एक मिनट रुको। हाँ तो उसकी बात बताऊँ मैं क्या कर दिया, ठीक है। तो पुणे के अंदर होटल की बात बताऊँ तो आपको होटल 850-950 की रेंज में ही मिलेंगे, आप कितना ही ट्राई कर लो। होटल की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लॉज वगैरह का कोई सीन नहीं है, लॉज वगैरह भी इतने ही महंगे हैं। एक कॉल अटेंड कर लूँ मैं फिर ब्लॉग। हाँ तो बार बार आवाज़ आ रही है क्या, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अब होगी ना कम, तो मैंने ना ये साइकिल ले ली है, इसका यूज़ इसका आवाज़ आ रही है। इस पर ना वहाँ तक जाऊँगा, क्या नाम है इसका, गुड़गांव तक जाऊँगा इस पर, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बात क्या चल रही थी, हाँ यहाँ के रूम के रेंट की बात करें तो भाई रूम है ना मुंबई के अंदर, गुड़गांव के अंदर, मतलब हरियाणा पंजाब में तो सस्ते, हरियाणा पंजाब में आपको सस्ते मिल जाएंगे अगर आप मुंबई जा रहे हो, अगर आप पुणे जा रहे हो, अगर आप चेन्नई जा रहे हो। तो भैया आपके पर डे कम से कम भी 1000 रुपये रूम आप मान के चलो, 1000, 850, 700 से ऊपर ही मिलेंगे आपको, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप इससे कम में अगर आप कहे जा रहे हो ना, तो आप ट्राई भी मत करना बिकॉज मुंबई महंगा शहर है, चेन्नई भी महंगा शहर है, कोलकाता भी महंगा शहर है। चेन्नई कोलकाता का तो मैं रिव्यू नहीं दे पाऊँगा अभी तक, मैं दे पाऊँगा आपको भोपाल का, महंगे है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई एकदम महंगे, मुंबई का इंसिडेंट सुनाऊँ मैं, रात को 11 बजे पहुँचा जैसे ही वानखेड़े स्टेडियम में, आईपीएल ख़त्म हुआ, आईपीएल ख़त्म होने के बाद में भाई वहाँ भीड़ लग गई, रात को तो स्टे करेंगे कोई ना कोई वहाँ पे, जो मतलब दिन में जैसे मैच देख लिया उसके बाद में वो भागने वाले थोड़ी है वहाँ से, तो भाई भीड़ लग गई भाई वानखेड़े स्टेडियम के पास। मैंने वहाँ रूम ले रखा था पहले दिन, मंदिर गया मैंने रूम बोला उसके चार्जेस 850 रुपये, मैंने उसको मना कर दिया, मैं 850 यार सुबह 6 बजे निकलना है मेरे को और मैं 11:30 आया हूँ, लोग आप बाहर ट्राई कर लीजिए। वहाँ से फिर मैं बेइज्जती करवा के थोड़ी सी तो आ गया, तो उसके बाद में मैं बाहर निकला, बाहर भाई भीड़ लगी पड़ी भाई फुल,
फिर मेरा दिमाग काम करा, बेटे अभी ये मिल रहा है तेरे को 850 में, ये फिर 850 में भी नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है आप ले लीजिए। तो फिर मैंने वो 850 कितने बजे, 12:30 बजे उस रूम में गया मैं, सुबह 8:30 बजे वहाँ से निकल गया, उतने को मेरे को 850 रुपये देने पड़े। तो मुंबई नो डाउट महंगा शहर है, वो तो होगा ही यार, महंगा तो होगा ही। क्या बोलते हैं उसको, महानगर में आता है क्या वो, महानगर बोलते हैं, तो उसके अंदर आता है मुंबई अपना। तो साइकिल की बात कर रहा, तो पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मैं आज आया, मुंबई से आया था, मुंबई से पुणे आया, तो एडिटिंग नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास ना ईयरफोन नहीं थी। अगर मेरे पास ईयरफोन होती तो मैं दोनों तीनों एडिटिंग करके व्लॉग अपलोड कर देता। अब क्या होता है कि लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो मैं लेट के बता दूँ सारी बात एक बार, थोड़ी सी बता दूँ आपकी इजाज़त हो तो। सेम टी शर्ट में आ रहे हैं ना व्लॉग भाई, ये व्लॉग सेम टी शर्ट में आने का कारण क्या है, ज़्यादातर व्लॉग मैं शाम को शूट करता हूँ, पहली बात शाम को शूट करता हूँ, तो फिर ये टी शर्ट ही पहनूंगा और शर्ट पहन के थोड़ी घूमूंगा, ठीक है, ये टी शर्ट यही पहननी पड़ती है भाई शाम को। तो फिर कभी बार बार सेम टी शर्ट में देख के इग्नोर तो नहीं कर दोगे हैं, मतलब वो तो नहीं कर दोगे, क्या बोलते हैं, व्लॉग देखना तो नहीं छोड़ दोगे यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर, बार हो रहा है एक नंबर का रोड़ा। देखो क्या बाहर क्या हो रहा है, दिखेगा नहीं बाहर क्या चल रहा है, वो दिखाऊं क्या, रामनवमी के ही उपलक्ष्य में बोल सकते हैं क्या, उपलक्ष्य में क्या बोलते हैं, इसीलिए ही आज इतना वो चल रहा है भाई, मज़ा आ रहा है बाहर भी, अच्छा है, होना भी चाहिए भाई हर चीज़ के में, मतलब अच्छी जगह है, मतलब मज़ा आ गया, दिल खुश हुआ यार देख के। ये नहीं कि भाई अब इसमें वो मतलब यार पीछे क्या आ गया यार, मेरे कपड़े कुपड़े पड़े रहे क्या यार, स्टूपिड आदमी हो गया मैं, मतलब बाहर कपड़े को तो आवाज़ तो अब भी थोड़ी आ रही होगी, मतलब अच्छा प्रोग्राम था, अच्छा मतलब डीजे बजा के रामनवमी अच्छे तरीके से लोग मना रहे हैं, तो मुंबई में रामनवमी मज़ा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जय सियाराम, जय श्री राम, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे अपने ही हैं भाई, सारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत मतलब आप ना इन चीज़ों को अगर कोई जय सिया राम बोल रहा है, कोई जय भीम बोल रहा है, या कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है, तो आपने इसको जात उसमें मत बदलो यार, धर्म में मत बदलो, सभी की अपनी अपनी होती है, सभी अपने अपने चिल हो रहा है, चिल चिल बाबा चिल, तो भाई इसको उसमें मत बदलो, उसमें मत बांटो धर्म में, जिसकी जो इच्छा है ना वो करो, मेरी कोई इच्छा नहीं है भाई मैं वो बोलूँ ये बोलूँ जो भी, मैं तो ऑलराउंडर हूँ भाई, सीधी सी बात ये है, गुरुद्वारे में मैं जाता हूँ, मंदिर में मैं जाता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, चर्च होता है ना उसमें नहीं गया, बाकी मैं सभी जगह जा चुका हूँ, तो इसको अगर जय सिया राम के नारे लग रहे हैं वो जा रही है भाई बाहर एक नंबर की, कोई दिक्कत नहीं है, रामनवमी अच्छे धूमधाम से मनाई जा रही है, आई लाइक इट, ऐसा ही होना भी चाहिए। तो आज का बस यही ब्लॉग था, इस कमरे के अंदर ही ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, बिकॉज कल का प्लान रहेगा ना, नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, उसका प्लान कुछ ज़बरदस्त, तुम्हारे भाई ने ना एक नंबर की प्लानिंग कर रखी है, इन केस प्लानिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई तो मज़ा आ जाएगा, माँ कसम आपको भी और हमें भी, दिन रात मेहनत कर सकता है उसके लिए, तो आपका भाई ठीक है,
तो व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।